श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह उगामेड़ी के हत्याकांड की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। साथ ही इस मामले में पाकिस्तान से कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। बताएंगे आज के इस वीडियो में पूरी विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल दोस्तों 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह उगामेड़ी की उनके निवास स्थान पर दोपहर 1 बजे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही रोहित गोदारा के 2 शूटरों ने हत्या कर दी थी। हालांकि 10 दिसंबर को उनको चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। एक निजी व्यक्ति के पास वो छुपे हुए थे। वहां से उनको गिरफ्तार करने के बाद एनआईए जैसे ही उनको जयपुर लेकर आई तो जयपुर सेंट्रल जेल ने दस्तावेज पूरे न होने और उनकी जान को खतरा होने की बात बताकर उनको वहां से निकाल दिया। जयपुर सेंट्रल जेल के मना करने के बाद उन दोषियों को, जिनमें 7 लोग बताए जा रहे हैं, उन सबको अजमेर सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया, जहां पर पहले से 40 हार्डकोर अपराधी वहां पर बंद थे। बताया जा रहा है कि सुखदेव सिंह उगामेड़ी हत्याकांड में अब पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ गया है। आपको बता दें, सुखदेव सिंह उगामेड़ी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, बल्कि राजपूतों के सबसे बड़े संगठन श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष थे। अगर उनके बारे में बात करें तो सुखदेव सिंह उगामेड़ी ने संजय लीला भंसाली जैसे बड़े डायरेक्टर पर भी थप्पड़ जड़ दिया था और इनकी वजह से पूरे राजस्थान में पद्मावती फिल्म की रिलीज के दौरान आंदोलन भी हुआ था। उस आंदोलन के बाद संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म का नाम पद्मावती से पद्मावत कर लिया था। और उसके बाद की चर्चा करें तो साल 2018 में 15 अगस्त के दिन सुखदेव सिंह उगामेड़ी ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। तभी से माना जाता है कि सुखदेव सिंह उगामेड़ी आतंकियों के निशाने पर आ गए थे। उन्होंने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा पहनाया था। यह घटना 15 अगस्त 2018 की बताई जाती है। उसके बाद से लगातार उन्हें पाकिस्तान से कॉल भी आ रहे थे। हालांकि दोस्तों, इससे पहले हमने काफ़ी वीडियो में जिक्र भी किया और हम आज भी आपको बता रहे हैं कि सुखदेव सिंह उगामेड़ी पर पुलिस की लापरवाही के कारण उनकी हत्या हुई, उन पर गोलियाँ चली। इससे पहले भी सुखदेव सिंह को पहले भी धमकी मिल चुकी है, लेकिन उसकी भी एक मेल, सिक्योर मेल, पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को दी थी, लेकिन राजस्थान पुलिस ने इस पर कोई भी गौर नहीं किया, जिसके कारण सुखदेव सिंह उगामेड़ी को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी। अभी हाल ही में सुखदेव सिंह उगामेड़ी का एक पुराना वीडियो भी निकलकर सामने आ चुका है, जिसमें सुखदेव सिंह उगामेड़ी पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सुखदेव सिंह उगामेड़ी कहते हैं कि उन्हें 3 दिन पहले से धमकी मिलती आ रही है, जबकि उन्होंने DGP में जाकर सुरक्षा की मांग भी की, लेकिन उसके बाद भी 3 दिन से उन्हें सुरक्षा में कोई भी इजाफा नहीं हो रहा है। उन्हें एक भी पुलिस कर्मचारी नहीं दिया गया है। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, तभी से वो पाकिस्तान के आतंकियों के निशाने पर आ गए थे और उन्हें पाकिस्तान से भी 3 से 4 बार धमकियां मिल चुकी है। इन्हीं घटनाओं को और पाकिस्तान से कनेक्शन को देखते हुए अब उगामेड़ी हत्याकांड की जाँच NIO को सौंप दी गई है। हालांकि NIO ने अभी उन 7 आरोपियों से पूछताछ कर उन्हें अजमेर जेल भेज दिया गया है। देखना ये होगा कि उगामेड़ी की हत्या का इंटरलिंक पाकिस्तान से निकलता है या फिर नहीं। इस मामले में नई खबरों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।